Hey guys, welcome back to the brand new video on this channel. This is Rahul Sharma and you're watching Gaming with the Awesome YouTube channel. So guys, अभी start करेंगे and बात करेंगे Loop Esports के बारे में, जो कि एक West के region की बहुत अच्छी team है. PUBG Mobile World League भी खेल रही है West की side से. And अगर आपको एक और चीज बताऊँ, so MPL North America हुआ था, उसमें भी ये team number one पे थी. So guys, काफी अच्छी team है and बहुत अच्छे तरीके से fight लेती है. अभी आपको एक good news देना चाहूंगा, क्योंकि guys PL season 2020 start होने वाला है. So आपके लिए बहुत अच्छा fresh कंटेंट आता रहेगा. एंड गाइज, अभी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो. एंड एक और चीज अभी बता देना चाहता हूं मैं, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम पर डेली एक मॉन्टाज ला रहा हूं चाइनीज स्क्रीम से रिलेटेड एंड बाहर के अदर रीजन की जितनी भी टीम्स होती हैं, जितने भी स्क्रीम्स होते हैं वहां पे अच्छे. अभी तो बेसिकली फोकस चाइनीज स्क्रीम पे है, क्योंकि आप लोगों को वो नहीं दिखते हैं. सो जितने भी ऐसे तगड़े तगड़े मॉन्टाजेस होते हैं वहां पे, जो भी क्लचेस होंगे एंड जितने भी फन मूवमेंट्स हैं, अच्छे अच्छे मूवमेंट्स होंगे, वो सारी दिख जाएंगे. सो आपको बेसिकली बहुत नॉलेज मिलने वाला है एंड आपका एंटरटेनमेंट होने वाला है. सो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा इंस्टाग्राम का, फॉलो कर लें. जब रीच अच्छी हो जाएगी, सो गाइज वहां पर लाइव भी आया करें, आपसे बातें करें करेंगे. एंड गाइज, एक और चीज के भी बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन वाला सीन चल रहा है एंड रीच खत्म हो रही है चैनल की. सो फटाफट से यार ऐसे करना कि डेली आया करो 10:30 बजे के अराउंड, चैनल चेक कर लिया करो. एंड जो लोग सब्सक्राइब करते हो वापिस भी दिखने के लिए आया करो यार, क्योंकि तभी अच्छा लगता है भाई अगर आप सब्सक्राइब करते हो. सो फिर से वापिस आओगे तभी मेरे लिए भी अच्छा रहेगा एंड आपको भी बड़े बड़े कंटेंट मिलता रहेगा. सो फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बहुत कम सब्सक्राइबर हो रहे हैं. अपना गोल है गाइस नेक्स्ट मंथ में अपने को 50K क्रॉस करना है. सो अभी बात कर रहे हैं लूप स्पोर्ट्स के बारे में. सो लूप स्पोर्ट्स की यहां पे गाइस फाइट होने वाली है एचक्यू की टीम से. काफी अच्छी फाइट है, क्योंकि एक मेंबर अभी यहां से रोटेशन डालते हैं एचक्यू का, यहां से भागने की ट्राई करता है, इनके सामने से जाने की ट्राई करता है एंड अभी इस फाइट पे फोकस करेंगे. सो एक प्लेयर ने अपनी गाड़ी घुमाई, इनके पास आने की ट्राई कर रहा था बट भाग गया पीछे एंड गाइस उस पर शॉट लिया गया. एक और प्लेयर होता है गाड़ी में बैठता, उसको भी 10 HP किया जाएगा, बट जो यहां से भाग रहा होता है उसको यहां पर नॉक कराया था. अभी पुश देखने इनका बहुत अच्छा, उसे अभी समझाने की ट्राई करूंगा कि पुश कैसे किया टीम ने. सो सबसे पहले ये इनका एक प्लेयर जाता है जो इनका सपोर्ट का रोल करता है, सबसे पहले स्लैम कर रहा है इस टाइम एंड स्लैम करते टाइम ये थोड़ी सी गलती करता है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट पुश करता है. इसको यहां पे मारा जा सकता था बट दूसरा प्लेयर नहीं मार सकता. बट गाइस अभी ये बंदा बहुत कमाल करने वाला, उसको पता है सामने से नेड आ रहा है. सो एक प्लेयर है स्पॉटेड वहां पे, बट अभी नेड करता है, अभी ये बिल्कुल सेफ है, अभी नेड करता है. बट गाइस इसको ध्यान देखना, बिल्कुल फुटस्टेप पड़ रहा है, फुटस्टेप बिल्कुल सुन रहा है, उसी तरीके से नेड किया एंड यहां पे एक कैजुअलिटी मिलती है टीम को. एंड ये बात मुझे काफी अच्छी लगी कि भाई इस बंदे ने ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल फुटस्टेप रीड किए एंड उसी के बाद उसी हिसाब से यहां पे नेड करा ताकि बंदे को नॉक मिले एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम. एंड गाइस आगे बहुत ज्यादा फाइट, अच्छी अच्छी फाइट्स आने वाले हैं. सो फटाफट से वीडियो को पूरा दिखना, क्योंकि अगर आप अभी लीव कर दे रहे हो सो आपको मतलब इतना मस्त कंटेंट दिखा रहा हूं मैं, सो आप उसको छोड़ दोगे. सो अभी देखना ये नोवा स्पोर्ट्स का लाइनअप है, नोवा स्पोर्ट्स का जो एक्सक्यूब के भाई है यहां पे, सो उनका लाइनअप है. नॉर्मली आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं, सामने टीम केस हुआ है. अभी गाइस जोन एक शिफ्ट लेने वाला है एंड जोन का शिफ्ट कैसे आता है वो अभी समझाने की ट्राई करूंगा. किन किन स्क्वाड्स को अभी मूविंग करना पड़ेगा, पचिंकी के अराउंड यहां पे सर्किल बनता है, बहुत सारी स्क्वाड्स जो यहां पे हैं वो सर्किल में ऑलरेडी बैठे हैं, ये वाली स्क्वाड जो है सामने उनको मूविंग कर रहा है. बट अभी नोवा स्पोर्ट्स एंड अभी टीम केसो के बारे में बात करेंगे. सो टीम केसो के मार्को आप देख सकते हो बिल्कुल यहां पे छोटे से शैक के पीछे हैं, इनकी पोजीशन यहां पे बहुत तगड़ी थी जो कि नोवा स्पोर्ट्स को यहां पे हरा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन है, कोई समझ नहीं सकता कि यहां पे बंदा हो सकता है. सो ये पोजीशन काफी अच्छा है, नोवा वालों की पोजीशन भी काफी अच्छा है. बट गाइस मार्को को अगर देखोगे तो मार्को यहां पे पूरी फाइट पलट सकता है यहां पे. बट गाइस अभी पूरी समझाने की ट्राई करूंगा कैसे कैसे ये फाइट होती है. नोवा स्पोर्ट्स वाले फुटस्टेप ले रहे हैं, बाकी टीम केसो वाले भी यहाँ पे एक बंदा नीचे दो बंदे ऊपर हैं. सो ये ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने का कि कहाँ से कैजुअलिटी आए. बट एक बंदा नोवा स्पोर्ट्स का बिल्कुल बाउंड्री वॉल के बाहर बैठा हुआ है, बाकी सारे बंदे अंदर जाने की ट्राई कर रहे हैं. अंदर जाते हैं बंदे एंड टीम केसो के बंदे भी यहाँ पे, काफ़ी अच्छी टीम है केसो भी. एंड यहाँ पे देखो गाइस एक मेंबर अंदर आ चुका है, बाकी मेंबर ऊपर जा चुके हैं. बट मार्को को आप देखोगे सो मार्को की पोजीशन यहाँ पर रिवील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्को बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन पे है. अगर एक नॉक आता है ऊपर की साइड से तो मार्को नीचे से पुश करेगा, बाकी पूरे स्क्वाड पुश करके इनको खत्म कर देंगे. सो यहाँ पे अभी क्या होता है, मार्को यहाँ पे शॉट लेने की ट्राई करते हैं, वो स्पॉट हो जाते हैं एंड गाइज उनको डाउन करा जाएगा. एंड यही एक टर्निंग पॉइंट है इस फाइट का. एंड गाइज पूरी की पूरी स्क्वाड अभी ऊपर पुश कर सकती है, उनको पता है कि भाई एक जो बंदा बाहर था हमने डाउन कर दिया एंड हील अप करके बंदे पुशिंग करने की ट्राई करेंगे. एक बंदा ऑलरेडी
भाई बल्कनी में चला जाता है बाहर एंड अपनी उजी से एक नॉक दे देता है एंड अभी टीम केसो के लिए यहीं पे फाइट चेंज हो जाती है। अभी वो नॉक भी निकालते हैं, दो नॉक निकालते हैं बट स्टिल वो वाइप आउट हो जाते हैं क्योंकि एक मार्को का जो नॉक था ना गाइस वो एक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था। अगर मार्को यहाँ पे नॉक दे देता अपनी साइड से सो टीम केसो वाले ऊपर से पुश कर जाते एंड यहाँ पे फाइट हो जाती टीम केसो की। सो नोवा स्पोर्ट्स यहाँ पे जीत जाती है एंड अभी अगर जोन दिखाऊं तो जोन बिल्कुल नीचे वाली साइड जा रहा है एंड अभी लूप्स का देखो सो गाइस लूप्स 3-1 स्प्लिट खेल रहे हैं यहाँ पे, सबको जोन में जाना है, अभी 2-2 के स्प्लिट में हो जाते हैं ये अभी। एंड गाइस वाइल्ड कार्ड को हम देखें सो वाइल्ड कार्ड यहाँ पे एक शैक पे आने की ट्राई कर रही है क्योंकि पॉसिबिलिटी रहती है कि यार मिडल ऑफ द मैप है सो यहाँ पे जोन बन सकता है एंड यहाँ पे जोन बना तो काफ़ी अच्छा रहता है। लास्ट जोन में आपके पास यहाँ पे शैक का कवर हो सो आप बहुत अच्छा खेल सकते हो। सो लूप्स फाइट ले रही है वाइल्ड कार्ड गेमिंग वालों ने अपने लिए परफेक्ट पोजिशन ट्राई कर ली। एंड गाइस यहाँ पे बाकी जितनी फाइट्स होती हैं लूप गेमिंग के पास ऑलरेडी 7 किल्स हैं, इन्होंने एक और स्क्वाड मारी इसका पर्सपेक्टिव हमारे पास नहीं था, फुटबॉलीज का स्क्वाड यहाँ पे होता है। एंड गाइज अभी जो फाइट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, समझाने की ट्राई करूंगा पूरी ये कैसे कैसे मतलब आपके लिए क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल अभी ये एज खेल रहे हैं, ये एज से लेट रोटेशन कर रहे हैं, मतलब उतना भी लेट नहीं बट एज टू एज रोटेशन कर रहे हैं। वाइल्ड कार्ड वाले पहले पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपने लिए एक परफेक्ट पोजिशन ढूंढ लिया है। एंड गाइज यहाँ पे फुटबॉलर्स उन्हें पुश कर देती है, फुटबॉलर्स एंड वाइल्ड कार्ड का यहाँ पे क्लैश हो जाता है, बहुत अच्छी फाइट चलती है, बहुत इंटरेस्टिंग फाइट थी क्योंकि सेम कैजुअलिटी होती है बट एक बंदा जो बचा होता है उसको बी4 वाले खत्म कर देते हैं एंड वाइल्ड कार्ड भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। एंड गाइज दूसरी जो फुटबॉलर्स थी वो भी एलिमिनेट हो जाती है बट पीछे से लूप वाले आते हैं एंड लूप भी बी4 वालों को मारने की ट्राई करेंगे, दो प्लेयर नॉक कर देते हैं एंड काफी अपने हिस्से में ले चुके हैं फाइट एंड फाइट लेने की ट्राई करेंगे एंड स्टिल कॉन्टिन्यूस में नॉक पे नॉक दे रहे हैं इनको। एंड गाइज ये वाली फाइट काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पे 3 स्क्वाड का एलिमिनेशन होने वाला है, सो फुटबॉलिस्ट का एलिमिनेशन हुआ वाइल्ड कार्ड का एंड अभी लूप जाती है, लूप इनको भी खत्म करेगी एंड लूप वाले V4 को भी खत्म करते हैं एंड अपने लिए एक अभी परफेक्ट पोजीशन ढूंढ लेते हैं। जो गाइस स्टार्ट किया था अभी वाइल्ड कार्ड ने, उसके बाद वहां पे फुटबॉलिस्ट आई, उसके बाद V4 आई एंड अब जाके लूप्स ने वो एरिया ले लिया। अभी गाइस अभी देखना एक शिफ्ट होने वाला है इस जोन का भी एंड यहां पे नोवा स्पोर्ट्स अभी लड़ रही है, नोवा स्पोर्ट्स लड़ रही है सो शिफ्ट देखते हैं किस हिसाब से होता है। यहां पे जोन शिफ्ट बिल्कुल सेंट्रल हो रहा है अभी गाइस, ये वाला जो सेंट्रल शिफ्ट है इसमें क्या होता है, जो भी अभी स्क्वाड जितनी भी स्क्वाड्स है फाइट ले रही हैं, जो फाइट में इन्वॉल्व है उनको बहुत नुकसान होने वाला है एंड जो स्क्वाड यहां पे फ्री हैं, जो रोटेशन डाल रहे हैं धीरे धीरे अंदर अपनी पोजीशन लाने की ट्राई कर रहे हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। अभी मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं, जितनी भी स्क्वाड्स अभी यहां पे फाइट ले रही हैं इस सर्कल में फाइट ले रही हैं सो वो अभी जोन में आने की ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि वो फाइट में इन्वॉल्व है, सबको पता है कि वहां से गन फायर आ रहा है, वहां पे प्लेयर है एंड जो ऑलरेडी यहां पे जोन में पहुंच चुके हैं वो उनको बहुत दिक्कत देने वाले हैं, गेट कीप होगा। सो नोवा स्पोर्ट्स का देख लो, नोवा स्पोर्ट्स यहां पे कंटिन्यूस फायर कर रही है, प्लेयर्स को मारने की ट्राई कर रही है, उनको स्पॉटेड है प्लेयर जो उनको मारने की ट्राई कर रही है बट गाइस ये जोन के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे। अभी एक नॉक निकालते हैं, अभी जोन में जाने की ट्राई करता है, थोड़ा सा लेट हुआ, ज्यादा लेट नहीं हुए बट उनका गेट कीप करने के लिए यहां पे बहुत सारी स्क्वाड्स यहां पे अवेलेबल हैं जो उनको मारने की ट्राई करेंगे। यहां पे कंटिन्यूस फायर हो रहे हैं शॉट्स लूप्स पे भी एंड नोवा को भी स्पॉटेड कर चुके हैं ये प्लेयर्स, तो यहां पे नोवा के लिए एक नॉक आता है। अभी नोवा के स्टिल दो प्लेयर हैं यहाँ पे एंड गाइस बाकी टीम्स को देखो सो बाकी टीम्स भी यहाँ पे काफ़ी स्प्लिट आउट हैं, 5 टीम्स बची हैं, 19 प्लेयर्स हैं। नोवा वाले एक टीम का फ्रैग मशीन का यहाँ पे एलिमिनेशन कर देते हैं सो अभी 5 टीम्स बची हैं, 19 प्लेयर हैं, मैक्सिमम टीम्स के पास अपने 4 प्लेयर हैं सो फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अभी गाइस क्योंकि 19 प्लेयर्स अलाइव हैं ये वाले सर्कल में, 5 टीम है। नोवा स्पोर्ट्स का अपने प्लेयर को रिवाइव दे रही है, लूप्स वाले आगे आ चुके हैं जोन में पहुंचने वाले हैं एंड गाइस टीम नंबर 8 अपने शैक पे दो बंदे हैं, दो बंदे डिप के पीछे रोड के अक्रॉस यहाँ पे बैठा के रखे उन्होंने। सो अभी एक गाड़ी से आता है नोवा का प्लेयर, लूप वाला प्लेयर उसको नॉक करके फिनिश करता है, नोवा का एक प्लेयर ऑलरेडी नॉक पड़ा है एंड दूसरे प्लेयर को सामने से भी उनको शॉट्स आ रहे हैं क्योंकि वो जोन में अभी घुसने की ट्राई कर रहे हैं, उनको पहले करना चाहिए था बट वो उस टाइम फाइट में इन्वॉल्व थे। अभी सबको पता है कि नोवा स्पोर्ट्स यहाँ पे आने की ट्राई करेगी, नोवा स्पोर्ट्स उसी चक्कर में दो प्लेयर लूज कर देती है, एक प्लेयर और होता है यहाँ पे फर्स्ट एड लगाने की ट्राई करता है, उसको पता है राइट साइड गया तो वहां से फायर आएगा लूप्स की साइड से, उसको वहीं रहता है, सामने से फायर आता है लेफ्ट साइड रहता है थोड़ा सा, यहाँ पे नोवा का एलिमिनेशन होता है क्योंकि वो उस टाइम फाइट में इन्वॉल्व थी, उन्होंने अपने के लिए परफेक्ट पोजीशन नहीं ढूंढा, जोन में आने के अंदर ट्राई नहीं करी। गाइस अभी बचते हैं 4 टीमें, 15 प्लेयर, लूप्स का स्क्वाड यहां पे, टीम नंबर 8, टीम नंबर 6 एंड टीम नंबर 19। सो ये भी काफी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है, अभी समझाने की ट्राई करूंगा। लूप्स की साइड से भी काफी अच्छा डोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा एंड एक परफेक्ट जो फाइट होती है जैसी लेनी चाहिए वैसी दिखने को मिलेगी। सो सारी टीम्स आपस में शॉट्स एक्सचेंज कर रही हैं, प्लेयर्स को नॉक करके फिनिश करा जा रहा है बट गाइस अभी देखना, एक तो टीम नंबर 8 है उनके पास, यहां पे टीम नंबर 8 के पास पूरा जोन चला गया,
पूरा जोन शिफ्ट हो जाता है टीम ऑफ एट के पास, बाकी जितने भी स्क्वाड्स हैं उनको मूव इन करना है, लूप्स को थोड़ा सा आगे मूव इन करना है, वो ही जोन में पहुंच जाएंगे। बट जितने बाहर की स्क्वाड है इनको अभी जोन में जाना है, इनको लंबा रोटेशन डालना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि टीम नंबर एट वाले यहाँ पे इनको गेट कीप कर रहे हैं, उनको पता है कि भाई यहाँ से टीम्स निकलेंगे, यहाँ से आएंगे और हम यहाँ से ईजी उनको मार सकते हैं, उनके पास कोई कवर नहीं है, स्मोकिंग करे जाएंगे यहाँ पे तभी आ सकते हैं। वैसे स्मोक का अगर कवर बनाया जाए, लूप्स वाले किल चुराने की ट्राई कर रहे हैं। एंड गाइज अभी ये फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अभी देखना। सो मिनी से एक रैपिड स्पैम करके एक नॉक दिया जाता है, बहुत तगड़ी मिनी चलाई है टीम नंबर एट के बंदे ने। दो बंदे इनके अभी शैक में है कि इन पे पुश होता है, सो वो मारेंगे पीछे वाली साइड से और यहाँ पे स्क्वाड डाउन हो जाएगी। बट अभी एक नेड आता है लूप की साइड से, उस प्लेयर ने वहाँ पे बंदे डाउन करे, काफ़ी अच्छी इनके हिस्से में फाइट थी। बट लूप की साइड से एक नेड आता है एंड उसको नॉक करा जाएगा, यहाँ से भी नेड होते हैं बट अक्रॉस नहीं जाते हैं। बट गाइज यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट हो चुकी है, लूप वाले यहाँ पे पुश नहीं कर सकते क्योंकि अगर उन्होंने इन पे पुश करा तो सामने से इनको पीछे से शॉट्स आएंगे एंड मारे जाएंगे। बट अभी क्या होता है, इस बंदे को अभी रिवाइव देना पड़ेगा, डिप इतनी मतलब डाउन नहीं है कि उस बंदे को शॉट्स लग सकते हैं। सो लूप वाले उसी चीज़ का यहाँ पे फायदा उठाते हैं। अभी दो प्लेयर्स तो इनके हैं, लूप वाला प्लेयर खड़ा होता थोड़ा सा स्पॉट करने की ट्राई करता, उसको दिख जाता बंदे कि वहाँ पे रिवाइव चल रहा है, गाड़ी के पीछे रिवाइव चल रहा है, उसको नॉक देता है। अभी वो दोनों के दोनों मेंबर वहाँ पे डाउन पड़े हैं एंड अभी उनके मेंबर जो हैं लूप्स वालों को पता है कि यहाँ पे शैक में क्योंकि फुटस्टेप्स तो आ रहे होंगे, सो ये आगे जाने की ट्राई करते हैं। लूप्स का प्लेयर अभी एफपीपी में स्विच करेगा एंड गाइज उसके बाद देखो एफपीपी में स्विच करा, एक नॉक दिया एंड अभी इसकी थोड़ी सी हेल्थ डाउन है, सामने वाला प्लेयर आगे जाएगा, अकेला प्लेयर आता है उसको डाउन कराया जाता है, उसके बाद ये घुसता है एंड डाउन करता है। सो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे क्योंकि यहाँ पे गाइज अगर दो प्लेयर एक साथ घुसते हैं, एक प्लेयर एचपी कम थी एंड पूरे पूरे शॉट रजिस्टर्ड होते हैं, एरिया थोड़ा सा कम होता है। सो यहाँ पे एंड ऊपर से क्या होता है, अगर इतनी छोटी सी पोजिशन में हम प्रॉपर एक मूवमेंट नहीं कर पाते, मूवमेंट में बहुत दिक्कत आती है। सो एक प्लेयर घुसा, उसके बाद उसने लो किया एंड दूसरा प्लेयर घुसा एंड डाउन करा, बाकी जितने प्लेयर्स होते हैं इनको नेड से फोड़ा गया एंड लूप ई स्पोर्ट्स ने काफ़ी अच्छे से फाइट जीत ली। सो ये काफ़ी अच्छी स्क्वाड है एंड बाकी जितने भी स्क्वाड्स होंगी वेस्ट इंडीज की काफ़ी अच्छी अच्छी स्क्वाड्स, उनका मैच भी आपको दिखाने की ट्राई करूंगा। बट गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से एक लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, सब्सक्राइब दे देना मेरे भाई, थैंक यू सो मच, बहुत सपोर्ट करते हो आप एंड सब्सक्राइब से यार और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि भाई इतनी जल्दी जल्दी अपने फैमिली ग्रो हो रही है। सो 50 का करवा दो गाइज, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।